ब्रॉडर लेवल पे ये देखा जाए कि मुसलमानों के साथ ये प्रॉब्लम है क्यों। प्रॉब्लम इसलिए है ना कि मैंने ये चीज रीड किया है कि जो एक कॉमन मुसलमान है किसी भी रीजन से, चाहे मुल्ला के कहने में चाहे कैसे भी अज्ञानता के कारण, वो प्रेजेंट में कभी नहीं रहता है। वो या तो पास्ट में जीता है या अपना फ्यूचर मुकम्मल करता है। इसका अच्छा चलिए, ओवैसी साहब को तो छोड़िए, जो खास में मिश्रा साहब कह रहे हैं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। भारत की धरती पे, भारत क्या, मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूं, ये खित्ते की धरती इतनी गजब की धरती है कि इससे ज्यादा टॉलरेंस ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा। एके मिश्रा साहब पिछले 2 साल से बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत टीवियों के ऊपर आजकल ये आ रहे हैं, और वैसे ये बिजनेस एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, लेकिन इनकी आवाज़ इतनी बुलंद है कि सुनकर लोग जो हैं वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं बहुत थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि आज हम और मिश्रा भाई को सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे बैठे हुए ग्राउंड पे देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। पहले स्टार्ट करते हैं मिश्रा जी से। जी जी, और पूछते हैं मिश्रा जी, आप इस सारे कांड को जो हिंदुस्तान में हो रहा है किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, 2014 के पहले अगर देखा जाए तो यूपी में इंटॉलरेंस शायद सबसे ज्यादा था। आए दिन आप ये देखिए किसी न किसी तरीके के चैलेंज सहारनपुर से होता रहता था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है बवाल या एटलीस्ट वर्बल लेवल पे कोई ना कोई स्टेटमेंट आते रहते थे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हम क्षेत्रीय उसकी बात करें, जैसे रीजनल पार्टियां, एक जगह तो बहुत पीसफुल माहौल है, जैसे आप यूपी में देखिए पूरा रमजान निकल गया और सारी चीजें नवरात्र वगैरह निकल गई, कहीं कोई पे भी कुछ नहीं हुआ। बल्कि अगर हिंदुओं की कोई यात्रा जा रही है तो मुसलमान भाई लोग उस पे फूल बरसा रहे हैं। ये टॉलरेंस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, वीडियोस अवेलेबल है। तो क्या कारण है कि नेशन एक है, कल्चर एक है, तीज त्योहार एक है, पंजाब में कुछ और हो रहा है, महाराष्ट्र में कुछ और हो रहा है। देखिए दो लेवल पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल लेवल पे, मैं मानता हूं कि हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट रहते हैं या ग्रुप रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है एडमिनिस्ट्रेशन का रोल यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल पार्टियों का रोल, एडमिनिस्ट्रेटिंग या रूलिंग पार्टी जो है उनका रोल क्या है। अगर वो ढीले पड़ जाए किसी भी तरीके से और वो इनको मूक रूप से यानी साइलेंट वे में सपोर्ट करने लगे, क्यों सपोर्ट करने लगे, अपने इस सारी सूरत हाल में जो सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है मिश्रा जी पिछली बार उनकी आवाज टूट गई थी, हम चाहेंगे कि उनकी भी राय लें इस पर। मिश्रा जी, दोनों को जोड़ के। जी डॉक्टर साहब, बस लास्ट में मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ रीजनल लेवल पे ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनकी महत्वाकांक्षा है तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो उनके टूल्स एंड टेक्निक है ना, वो तेजी से प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहते हैं, सारे राज्य में पूरे नेशन में अपनी पोलिटिकल पार्टी को एकदम छा जाना चाहते हैं। तो उनके जो मीन्स है, उनके टूल्स एंड टेक्निक है, उनके तरीके हैं, वो बड़े गंदे हैं। ये वो टूल्स एंड टेक्निक है जो किसी डिस्टर्बिंग एलिमेंट को सपोर्ट करना शुरू करते हैं कि ताकि माहौल हमारे फेवर में बन सके। तो ये रीजन है जिसके कारण डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा यहाँ पे फैलता जा रहा है। जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है और सबको साथ लेके चलने की बात है, जिनका हृदय विशाल है, पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, वहां पे डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं हो पा ये पैदा नहीं हो पाते हैं। और गलत को गलत, सही को सही किया किया जा सकता है, कहा जा सकता है, यूपी एग्जाम्पल है। दूसरी चीज, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, तो मैं आपको बोलूंगा इंडिया के बारे में यहाँ के नेता और बाहर के लोग एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट देते रहते हैं। हमारे देश की विशेषता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं मानता हूं हमारे देश की विशेषता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए ना, तो ये जो मुहावरा है, मैं ये बोल दूंगा कि ये एकदम परफेक्ट हो गया, अब ये इंडिया के लिए सुटेबल है। एक काम की यूनिफॉर्मिटी क्यों आनी चाहिए या यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए होना चाहिए, देखिए इतने भांति भांति के लोग यहाँ पे रहते हैं। अब ये कुछ ऐसे देखिए ना, जैसे भेड़ों का झुंड होता है, मान लीजिए 100 150 200 है। अब हर भेड़ के लिए आप अलग अलग डंडा तो रखेंगे नहीं, अलग अलग चरवाहा तो रखेंगे नहीं। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि कुछ बहुत बेसिक और जरूरी चीजों के लिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वहां पे कानून भी एक होना चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जितने, जैसे शादी ब्याह हो गया, किसी को न्याय मिलना है, किसी को और कोई चीज है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन नेचर के लिए, आदम जात के लिए, आदमी की जाति के लिए बराबर है, सब आदमी को लगे कि हम बराबर हैं कानून की नजर में, देश की नजर में हम बराबर हैं। रही बात जो डाइवर्सिटी है,
अगर आप किसी विशेष धर्म से संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, आप अपनी सोसाइटी में अपने घर में उन चीजों को खुल के उन रिचुअल्स की प्रैक्टिस करिए, तो डाइवर्सिटी भी बनी रहेगी और यूनिटी भी बनी रहेगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारी योजनाओं को, बहुत सारी चीजों को एक अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। अदरवाइज ज्यादातर देश का जो रिसोर्स है, जो टाइम है, वो इसी चीज में जो है डिस्टर्ब होता रहता है, कंज्यूम होता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एक माइनॉरिटी सेक्शन है, मान लीजिए भले ही वो लोग बहुत अच्छे हो, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी के कारण, माइनॉरिटी का लेबल लगे होने के कारण, भले वो माइनॉरिटी है नहीं लेकिन लेबल लगे होने के कारण फंड उनको बहुत ज्यादा जा रहे हैं। अगर वही फंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से होगा, जो रियली में जरूरतमंद होंगे वो उनको जाएगा, जो अपने पैरों पे खड़े हैं, जिनको मदद की जरूरत नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना ज्यादा जरूरी है, सोशल जस्टिस एक बराबर होगा सबके लिए, हर ह्यूमन बीइंग को, हर सिटीजन को ये महसूस होगा कि हम इक्वल है, किसी को स्पेशल राइट नहीं है। मिश्रा साहब, यूनिफॉर्म सिविल जी, मिश्रा जी जो इस वक्त हिंदुस्तान में जो वो साधुओं की मैं बात कर रहा हूँ जो कि बहुत भड़कीले बयान देते हैं, और जो ये ओपनली कहते हैं कि तलवारें आदमी पकड़ लो और इनको कत्ल कर दो, उनके बारे में आपकी क्या राय है, और वो हिंदुस्तान में क्या था रोल प्ले कर रहे हैं? इन्होंने तो मौलवी की बात की। हाँ जी, देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बोल दूं, इग्नाइट करने का भी एक फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देश आजाद हो गया 1947 के बाद और सारी प्रॉब्लम सेटल डाउन हो गई थी, तो यहाँ पे होता यह है कि एक पर्टिकुलर धर्म विशेष और संप्रदाय के लोग कुछ न कुछ, चाहे वो मुल्ला हो, मौलवी हो, उनका कोई नेता हो, इस तरह की चीजें करेगा कि दूसरे ग्रुप के लोगों को ये लगेगा कि उनके अस्तित्व पे ये चुनौती आ रही है। मुसलमान अगर ये बोलते हैं कि भाई हम 800 साल से हुकूमत कर रहे हैं तो इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुमने हुकूमत की, तुम्हारी बादशाहत थी, लेकिन जो लाखों साल से इस देश के धरती पुत्र रहे हैं, अगर उनको इस स्वतंत्रता के बाद भी कोई अगर आदमी उनके अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाएगा तो क्या होगा? अगर ये इग्निशन बंद हो जाए, ये चिंगारी, ये भड़काना बंद हो जाए, और अगर ये बोला जाए कि हाँ भाई सभी लोग इसी धरती के पुत्र हैं और यहाँ पे रहा जाए, लेकिन जब कोई एक सेक्ट, एक ग्रुप बादशाहत वाले मूड में आ जाता है ना, पता नहीं ये कौन सी बीमारी है कि रह रह करके बादशाहत और नवाबी उबलने लगती है, उसका कीड़ा उबलने लगता है टाइम टू टाइम, साल दो साल, या किसी एक पर्टिकुलर मुल्ला को, मौलवी को, या एक नेता को जो उनको रिप्रेजेंट करता है। अब बीते जमाने की जो चीजें हजार साल पहले हो गई है, आप उनको लेकर के ये बोलोगे? यहां मैं लोकल बात बता रहा हूं, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि एक बार मेरा झगड़ा हुआ 10 रुपए ऑटो किराया के लिए, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, उस रिक्शे वाले ने मुझे ये बोला कि 53 देशों में हमारी बादशाहत चलती है, और पहली बार मैं अवाक था ये आंसर सुन के कि तुम रह इंडिया में रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, जिंदगी नहीं चल पा रही है, लेकिन बादशाहत तुम्हारे दिमाग से जाती नहीं है। और किसी भी ग्रुप के साथ मैं बोलता हूं, जब आप उसके अस्तित्व पे सवाल उठाएंगे तो इस तरीके के रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, अपने सुरक्षा में, अपने संस्कृति की सुरक्षा में। तो मैं तो ये बोलूंगा कि मैच्योरिटी का परिचय सबको देना चाहिए। यहाँ पे बादशाहत गई तेल लेने, वो खत्म हो गई है। अगर वो मैं हिस्ट्री की बात करूंगा तो रंगून में किस हिसाब से हमारे जो लास्ट बादशाह थे, वो उनकी मौत किस तरीके से हुई थी, शाहजहां के बाद की क्या स्थितियां थी, तो उन मुगालते में नहीं रहना चाहिए। आज परिस्थितियां बदल गई हैं ग्लोबल लेवल पे, बार बार अगर कोई चिंगारी को छेड़ेगा तो क्या होगा? डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए, एक लेवल पे कोई ना कोई चीज बस्ट आउट होगी। चलिए इंडिया के साधु बहुत बेकार है, मैं मान लेता हूं। अभी देखिए, एक देश में कुरान की प्रतियां जलाई गई, क्यों जलाई गई? टॉलरेंस के लेवल के ऊपर जब आप जाएंगे तो वो चीज वहां टूटने लगेगी, उसका रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा। फ्रांस में ऐसी घटनाएं क्यों हुई? इंग्लैंड में नो गो जोन बन गए हैं, वहां के लिए लोग क्यों कानाफूसी करते हैं? आपके कनाडा में ये चीजें होने लगी है। मतलब टियर करने के लेवल पे जब आप पहुंचेंगे, जब कोई चीज एक टूटने के लेवल पे आ जाती है, तो सबसे पहले वो आपके शब्दों के द्वारा निकलती है, वो ऐसे कुछ चेतावनियां दी जाएंगी, कुछ भाषण दिए जाएंगे। अगर वहां पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज या कोई सोल्यूशन नहीं होता है और उसमें पॉलिटिकल लोग मिल करके उसमें पेट्रोल डाल दें, तो दंगे भड़कने में टाइम नहीं लगते हैं, चाहे ये ब्रिटेन हो, चाहे लंदन हो, आप पूरी दुनिया में आप देखिए कहीं पे भी इतना टर्मोइल अगर है तो उसके पीछे रीजन यही है। मिश्रा जी, अच्छा चलिए, वैसी साहब को तो छोड़िए, जो खास में मिश्रा साहब कह रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब आप मुसलसल हर्ट करते रहेंगे,
जब आप मुसलसल ये कहते रहेंगे जी कि हमने तो हुकूमत की है, हम आइंदा भी फॉर एवर हुकूमत करने के लिए होंगे। अच्छा ये मिश्रा साहब, ये एक लंबी बहस है, सिर्फ वही लोग नहीं हैं जो कल्प्रेट्स हैं, जो भारत के कुछ ऐसे बड़े जिसे कहते हैं ना वाइट कॉलर किस्म के लोग हैं जो न्यूज़पेपर्स में वर्ल्ड वाइड लिखते हैं, ठीक है, उनका ये कहना होता है कि जी ये देखिए उर्दू कितनी बढ़िया जुबान है। भाई उर्दू मैं भी बोलता हूँ, पंजाबी हूँ अगरचे मैं, वाकई बढ़िया जुबान है, मगर इससे आप इस तरह तो पेश नहीं करेंगे ना कि जी यही दुनिया की बेहतरीन जुबान है, इससे आप दूसरों को ह्यूमिलिएट तो नहीं करेंगे ना। अच्छा वो फिर उन्होंने क्या किया, भारत की जो जो हमारे हिंदू बहन भाइयों की सेकुलर क्लास है उनको भी इसमें अपना कर लिया हुआ है कि जी देखिए ये जो कल्चर है, ये जो कल्चर है मुगलों का, ये तो कोई बहुत ही कमाल का कल्चर है। अच्छा इससे इनडायरेक्टली आप अपनी भारत की सिविलाइजेशन को हर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका फिर रिएक्शन तो आएगा डॉक्टर साहब, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जो आपने साधुओं की बात की ना, वो जो 99% साधु हैं वो तो वाकई साधु हैं, लेकिन फिर कोई ऐसे गुसीले साधु भी सामने आते हैं 1% जो बेचारे उस रिएक्शन का हिस्सा होते हैं, जो कहते हैं कि इनफ इज इनफ। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरे दरवाजे के बाहर हर वक्त तलवार लहराएंगे तो फिर एक दिन आएगा मेरा भी, मैं भी कहूंगा अच्छा यार फिर मुझे भी दो तलवार और मैं बाहर जाता हूं। तो ये एक एक्शन का रिएक्शन है, ह्यूमन सोसाइटी कोई भी क्यों ना हो, चाहे अमेरिका कैनेडा हो। तो लेकिन मैं पिछले 4-5 दिनों में देख रहा हूं, जब से ये स्पीकर बंद हुए हैं ना जी ताहिर साहब जी, तब से एक बहुत प्यार की सद्भावना शुरू हो गई है जी। जैसे मिश्रा साहब ने बताया कि वहाँ पर जुलूस निकले, वहाँ पर फूल बरसाए गए, हिंदू मुसलमानों ने इकट्ठे वहाँ पर खाना पीना खाया और आपस में जफियाँ डाली, तो यू नो थॉट्स एंड रिमेन्स पॉपुलर। तो यही सोल्यूशन है कि आप डटे रहें, मेरा ख्याल है मिश्रा साहब आखिर में जानना चाहते हैं। हाँ आप बहुत प्रोग्रामों में जाते हैं जहाँ पर मुल्ला भी होते हैं, तो आप वो जो उनका वहाँ पर बयानबाजी होती है हाँ, और बड़े जोश से जो बोलते हैं, उस वक्त आपका क्या रिएक्शन होता है? देखिए डॉक्टर साहब, मेरी जो समझ है ना, वो क्यों बोलते हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बने रहना चाहते हैं, फिर धर्म का हवाला देते हैं। ब्रॉडर लेवल पे ये देखा जाए कि मुसलमानों के साथ ये प्रॉब्लम है क्यों, प्रॉब्लम इसलिए है ना कि मैंने ये चीज रीड किया है कि जो एक कॉमन मुसलमान है किसी भी रीजन से, चाहे मुल्ला के कहने में चाहे कैसे भी अज्ञानता के कारण, वो प्रेजेंट में कभी नहीं रहता है, वो या तो पास्ट में जीता है या अपना फ्यूचर मुकम्मल करता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, एकदम से अनपढ़ और गवार मुसलमान से भी आप पूछेंगे जिसने कभी कागज नहीं छुआ, किताब नहीं पढ़ा, उसको ये पता है कि हमने हिस्पेनिया में शासन 700 साल तक किया था, कैसे किया था, ये हो गया पास्ट में जीना, वो पास्ट में ही खोया रहेगा और फिर से उसको रिक्लेम करने की कोशिश करेगा कि वो वाली सिचुएशन फिर आ जाए। या फ्यूचर में आईआईटी इंजीनियरिंग वगैरह करके अभी गोरखपुर में जो कांड हुआ, तो अब वो लड़का वहां पे जो चाकू से हमला किया, या न्यूयॉर्क में जो टावर के साथ उसने जो जहाज लड़ाए थे, इतने पढ़े लिखे होने के बाद वो अपना फ्यूचर मुकम्मल कर रहे थे, भविष्य कि हमें जन्नत में जाना है, वहां 72 हूरें लेनी है। तो अगर ये प्रेजेंट में रहना शुरू कर दे कि भाई हमें रोजगार करना है, बच्चों को पढ़ाना है, नौकरी करनी है, जैसे कि दुनिया के सारे लोग करते हैं, अमेरिका में जितने लोग हैं उनसे देखिए, वो सुबह 10 बजे भागेंगे, हम लोग सुबह 9 बजे भागते हैं, फीस भरनी है, तो ये प्रेजेंट में तो कभी रहते नहीं है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, इस स्टेट ऑफ माइंड से निकालना होगा अवेयरनेस ले आकर के, पहली चीज। दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैंने बोला बादशाहत का कीड़ा, पता नहीं क्यों हर मुसलमान को ऐसा लगता है, देखिए बादशाहत अब कहीं नहीं रही पूरे दुनिया में, 5 साल के लिए कोई बन गया फिर कोई बन गया, डेमोक्रेटिक रूल सब जगह है, इनको अभी भी ये लगता है कहीं डेमोक्रेसी है, इनको ये लगता है कि अमेरिका में हम बादशाहत फिर ले आएंगे, हिस्पेनिया में फिर ले आएंगे। एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है, पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात करूं, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश की, अंग्रेज चले गए लेकिन हम अंग्रेजों के पीछे हम लाठी लेके नहीं पड़े हैं, लेकिन मुगलों के पीछे मुसलमानों के पीछे हर जगह बवाल हो रहा है, उसके पीछे रीजन ये है। जब आप किसी का जीना दूभर कर देंगे, देखिए हिंदुस्तान के मूल निवासियों को इस्लाम आने के पहले किसी बादशाह से कोई खतरा नहीं था, यहाँ के जनता ने कभी कोई प्रतिरोध नहीं किया कि भैया राजा तुम मत बनो या तुम मत बनो, यहाँ की जनता ने मान लिया ठीक है आप राजा हो, लेकिन बात यही तक सीमित रहे तब तो ठीक है, लेकिन राजा या बादशाहत होने के बाद, बादशाह बनने के बाद,
तुम जीना हराम कर दोगे कि तुम पूजा नहीं कर पाओगे, तुम जजिया तुम्हें देना है, तुम गंगा नहीं नहा पाओगे, गाय का मांस ये होगा। जब एक लेवल पे जाकर के सारी चीजें खत्म होने लगती हैं तो वहां पे विरोध की बातें, विरोध की भावनाएं उठनी शुरू हो जाती हैं। अगर ये दो तीन चीजें स्टेट ऑफ माइंड मुसलमानों का इस दुनिया में कोई बदल दे, सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने बदलना शुरू किया है, मैं आपको फ्रेंकली बोलूं ये एक स्वागत योग्य कदम है। यही चेंज अगर जनमानस पे लाया जाए एक एक मुसलमान को, क्या कारण है कि एक अनपढ़ मुसलमान मुसलमान को हिस्पैनिया, जो कि हम इंडिया या पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, अरे हिस्पैनिया की लड़ाई में तुम क्या, तुम्हारे दादा परदादा भी नहीं गए थे वहां पे, तो तुमको क्या मतलब है वहां के इतिहास से कि वहां के इतिहास को लेके एकदम प्राउड फील करना और ये महसूस करना कि हम ही वहां के बादशाह थे और हम ही ने वो युद्ध फतह किया था। ये डायलेमा से, ये वोग स्टेट ऑफ माइंड, वोग पावरफुल वाली जो भावना है कि हम ही सबसे ज्यादा, रॉन्ग वे में ये भावना है कि हम ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, इस स्टेट ऑफ माइंड से अगर मुस्लिम समाज अपने आप को निकाल लेता है तो मैं समझता हूं दुनिया में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मुसलमानों का होगा। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इनकी है, लेकिन साइंस में, टेक्नोलॉजी, इवन सऊदी अरेबिया में जितनी पेट्रोल निकालने की मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, कंपनी है, सब नॉन मुस्लिम टेक्नीशियंस वहां लगे हुए हैं सर। इतनी बड़ी ये पॉपुलेशन सर्व कर सकती जी, है जी, मिश्रा जी, पूरी दुनिया को। हाँ जी पूछिए मिश्रा जी, इससे मिश्रा जी आपके 30 सेकंड्स। देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो ये बोलूंगा कि भारत की धरती पे, भारत क्या, मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूं, ये खित्ते की धरती इतनी गजब की धरती है कि इससे ज्यादा टॉलरेंस ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा। खूनी इतिहास आप पूरी दुनिया का देख लीजिए, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मैं सारे लोगों को ये बोलूंगा, वो किसी भी धर्म या जाति के हो, कि इतनी उर्वर और इतनी टॉलरेंस धरती आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ का जो कल्चर है वो इतना एडॉप्ट करने वाला कल्चर है, दुनिया का कोई भी आदमी यहाँ पे आया हो बाहें खोल करके, प्रथम बार तो एटलीस्ट बाहें खोल करके उसका स्वागत किया गया है और यहाँ पे बसने का, पल्लवित होने का, आगे बढ़ने का मौका दिया है। सरकारें अपनी कोशिश कर रही है, वो चाहे बीजेपी की सरकार हो, यूपी में हो, केंद्र में हो या कहीं पे भी, लेकिन शासन या बुद्धिजीवियों का प्रयोग या उनकी मेहनत भी तभी रंग लाती है जब इंडिविजुअल आप भी मेहनत करें अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, उन बुराइयों से, उन प्रॉब्लम से निकलने के लिए। हम कितनी भी मेहनत करते रहें, लेकिन कमजोर आदमी अगर अपना एक हाथ बढ़ा करके हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा तो हम उसको गड्ढे से कैसे निकाल पाएंगे। तो इंडिविजुअल इफर्ट जिस दिन यहाँ पे ऐसे लोग डालना शुरू कर देंगे, बहुत तेजी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुल्ले मौलवियों या नेताओं के बकावे में मत आइए, आप भला तो जग भला, आप अपने आप को सुधार लीजिए, दुनिया पूरी सुधर जाएगी। ताहिर साहब।